उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्योंकि न्यू ईयर नज़दीक आ रहा है तो मैंने सोचा कि मैं न्यू ईयर्स के रिलेटेड कोई एनिमेशन बनाऊँ, तो आज मैं आपको ये एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा न्यू ईयर रिलेटेड। बार फिर से देख लें। तो सबसे पहले हम लोग ब्लेंडर में जाते हैं, वन क्लिक करें, फ्रंट व्यू में जाएं, एस दबा के से स्केल कर लें, एस जेड दबाएं और से स्केल करें लंबाई की साइड पे क्यूब को, फिर टैब जाएं और फिर एडिट मोड में जाके फेस सेलेक्ट मोड को क्लिक करें, नीचे वाले फेस को सिलेक्ट करें, एक्स दबाएं और फेस को डिलीट कर दें, फिर वन दबा के फ्रंट व्यू में फिर से जाएं और कंट्रोल आर क्लिक करें और एक लूप कट ऐड करें, फिर कंट्रोल आर करके एक और लूप कट ऐड करें, फिर शिफ्ट ऑल्ट तो बाकी दोनों लूप कट को सेलेक्ट करें और इन्हें स्केल कर दें ताकि ये शेप से बन जाए, और फिर जाएं मॉडिफायर्स में, सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर दें, टैप करके फिर एडिट मोड में जाते हैं और स्केल थोड़ा सा कर लेते हैं, और जो निचले वाला है उसे ऑल्ट करके सेलेक्ट करें, फिर थोड़ा स्केल करें, थोड़ा अंदर कर दें। तो अब ये देखें ये थोड़ी वो स्काई लैंडर टाइप की शेप आ गई है, फिर हम उसे शेड स्मूथ कर देते हैं और इसका नाम अभी के लिए हम लोग लैंड टर्न रख देते हैं और इसे हाइड कर देते हैं, लाइट की हमें ज़रूरत नहीं होगी तो इसे भी डिलीट कर दें, और शिफ्ट ए मैश प्लेन एस बाई 10 करें और इसे हम लोग मटेरियल दे देते हैं, मटेरियल हम लोग उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट देंगे और उसे अल्फा ब्लेंड मोड अल्फा ब्लेंड कर दें या अल्फा क्लिप कर दें, अल्फा हैश जो भी आपको लगता है सही। और इसके बाद अब हम लोग लैंटर्न का मटेरियल से अप्लाई करते हैं, शेडर में चले जाते हैं और लैंटर्न का जो मटेरियल है वो हम लोग एक इमिशन मटेरियल होगा, इमिशन को डुप्लीकेट कर लेते हैं, एक की स्ट्रेंथ 20 रखें और एक ही इसरा 1 ही रहने दें, और शिफ्ट ए एक मिक्स शेडर हम लोग अब ऐड कर देते हैं और इन दोनों को वहाँ पे प्लग इन कर दें, और फिर एक कलर रैम्प हम लोग ऐड कर देते हैं, और फिर हम लोग एक मैपिंग नोड चाहिए होगी सिर्फ सेपरेट एक्स वाई जी, और टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे जो हम लोग इसकी जनरेटेड वाली कलर मैपिंग के वेक्टर के ऊपर करेंगे, और वेक्टर जो मैपिंग नोड का है वो सेपरेट एक्स वाई जी का करेंगे, और सेपरेट एक्स वाई जी का जो जेड है वो उसके फैक्टर में ऐड कर देंगे, और जो इमेज के हम लोग चाह रहे हैं कि मल्टीपल कलर्स हों, सिर्फ एक कलर नहीं हम लोग चाह रहे हैं, ज़्यादा सारे कलर हों जब हम लोग पार्टिकल सिस्टम में यूज़ करें, तो उसके लिए हम लोग एक और कलर रैम्प ले आते हैं, लेकिन इस कलर रैम्प को मैं इस पर एक आसान तरीके से हम लोग करते हैं, RGB के बजाय HSP कर लेते हैं, और नियर के बजाय हम लोग ये फार क्लिक करेंगे, और ये ब्लैक कलर जो है इसकी जगह ये एक ही ऑरेंज सा कलर सेलेक्ट करें, और क्योंकि हमने फार सेलेक्ट किया है तो वो फिर उसके सबसे उलट से कलर के ऊपर उलट सही हो जाके इसके पास आएगा, तो ये देखें बाकी सारे कलर भी बीच में आ गए, तो इसी कलर रैम को अब मैं शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और ये जो कलर है इसे मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, और ये कलर है इसे भी थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि एक डार्क हो थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि जो आपको समझ में भी थोड़ी डार्क से आ जाएगा, तो अब देख लें ज़्यादा बेहतर है, इसे इसमें साथ लग इन कर लें और इसके साथ लग इन कर लें, और क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि वो एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करें जब हम लोग पार्टिकल सिस्टम क्रिएट करें, तो शिफ्ट ए हम लोग ऑब्जेक्ट इन्फो यूज करेंगे, और जो एक ही ऑब्जेक्ट इन्फो की रैंडम वैल्यू है वो दोनों के फैक्टर में ऐड करेंगे, ताकि जो एट अ टाइम जो एक वैल्यू रैंडम वैल्यू क्रिएट हो रही है उन दोनों के पास जाए। तो अब इसका लैंडर का काम हो गया, जी करके नीचे चले जाते हैं और इसे फिर हाइड कर देते हैं, फिर अब हम लोग पार्टिकल सिस्टम में जाते हैं, पार्टिकल सिस्टम बनाते हैं, तो पार्टिकल सिस्टम के लिए सबसे पहले हम लोग पार्टिकल सिस्टम क्रिएट करते हैं, नंबर 1000 ही ठीक है, जो रेंडर में है हेलो की जगह हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, और जो और इसका स्केल जो है 0.1 ठीक रहेगा, और जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो लैंटर्न चूज कर लेते हैं, लाइफ टाइम जो है वो 200 ही ठीक है, और रैंडम लाइफ टाइम अब थोड़ा सा रख लें अपने हिसाब से, और फ्रेम स्टार जो है मैं अपने लिए -20 रख रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, और एक बार आप ये देख लें कि अलग अलग कलर के लैंटर्न आप देखे आ रहे हैं,
क्योंकि हमने रैंडम कलर सेलेक्ट करवाए थे तो वो देखें सर, और क्योंकि हम कलर हम सेम ही थी उस वजह से कलर आप खुद से कॉन्सेंट्स के तरीके से भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से भी यही ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग क्योंकि नीचे गिर रही हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि ऊपर जाएं, तो हम लोग ऐड कर लेते हैं फोर्स फील्ड, विंड स्केल कर लेते हैं, और जी जेड एक्सिस और विंड की जो सेटिंग्स है वहाँ पे जाते हैं। तो हम लोग स्ट्रेंथ चाह रहे हैं इसकी हो 20, और इसके बाद हम लोग और फोर्स फील्ड ऐड करेंगे ताकि थोड़ी सी जो मूवमेंट है वो रैंडमाइज हो जाए, कि जेड नीचे आए ताकि हमारे आड़े ना आए बाद में, और उसे हम लोग कर देते हैं उसकी वैल्यू भी हम लोग 20 करते हैं। तो अब ये सब कुछ हो गया, तो हम लोग प्लेन को भी थोड़े के लिए हाइड कर देते हैं और हम लोग अब टेक्स्ट की तरफ ध्यान देते हैं। तो शिफ्ट ए क्लिक करें और टेक्स्ट को क्लिक करें, टैब करें एडिट मोड में, 7 को क्लिक करें, बैक स्पेस और लिख लें जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं। मैं तो हैप्पी न्यू ईयर, इंटर नीचे जाने के लिए, और फिर 20 20। और इसकी सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ पे आप अब ये देखें ए आ गई हैं, इस वजह से ए को स्क्रीन में टेक्स्ट क्लिक किया वैसे ए आ गया वो। और मैं लेफ्ट के जगह में चाहूँ सेंटर में हो, और अगर आप कोई फ़ॉन्ट को रखना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं तो वी ही रखना चाहता हूँ इसलिए। और फिर हम लोग टैप करके सॉलिड मोड में चल जाएँ और फिर ऑब्जेक्ट क्लिक करें, क्योंकि ये अभी नॉर्मल मैश नहीं है, ये सिर्फ टेक्स्ट फाइल है, तो इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे मैश फ्रॉम टेक्स्ट कर्व डेटा से मैश में कन्वर्ट कर लिया। अब ये कन्वर्ट हो गया मैश में, अब जो ये देखें सर आपको वर्डसेज वगैरह नजर आ रही हैं, सेलेक्ट ऑल करें, देखें आप कब सारे डुप्लीकेट पीस में होंगे। तो फिर आप लोग क्लिक करें वर्टेक्स मर्ज वर्डसेज की ऑप्शन बाय डिस्टेंस, अभी वो देखें रिमूव जीरो वर्डसेज रिमूव, तो हम लोग मर्ज बाय डिस्टेंस कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा 132 को रिमूव हो गया शेप वापस वही है, थोड़ी सी वर्डसेज कम हो गया। फिर एक और बार करें, फिर एक और बार करें, और देखें अब शेप थोड़ी सी शेड राइट लेफ्ट होना शुरू हो रही है, तो मैं इसे इतना ही करूँगा ताकि शेप खराब ना, और मैक्सिमम जो वर्डसेज रिमूव हो सकती हो चुकी हैं। और फिर मैं अब इसका करता हूँ उसे एक्सक्लूड करके थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए एक्सक्लूड कर लिया, और टैप करके वापस आ गया। और फिर अब मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री के साथ, और अब हम लोग अपने कैमरे को भी प्लेस कर लेते हैं, तो बाई डिफॉल्ट कैमरे को सारा सेंटर में ही लें तो बेहतर है। उसे 90 डिग्री पर सेट करता हूँ, और अब हम कैमरे की उसे देख लेते हैं, और लोकेशन हम लोग उसकी चेंज करते हैं, ये ठीक है। और आप मैं आपको कोड पर से चेक कराता हूँ 100 व्यू, प्लेन गायब हो गया, और जो प्लेन है उसे नीचे थ्रो कर दें, जी जेड प्लेन जो है कैमरे में नजर नहीं आई तो बेहतर है। और ये देखें, और इसके ऊपर हम लोग ब्लूम ऑन कर लेते हैं, जो कलर हम बहुत से मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके लिए मैं आपको इस तरह ही शो कर रहा हूँ सॉलिड। और आप चाहते हैं मैं आपको कलर शो करूँ कि मैनुअली सा करते हैं, तो फिर कलर रैम को बेसिकली अगर आपने अपनी से अपनी चॉइस के कलर्स रखने हैं तो इन दो कलर रैम्स को बेसिकली आप इस तरह कर लें जी, और ये एच एस पी वापस आर जी बी में चले जाएं, और लीनियर की बजाय कर लें कॉन्स्टेंट, तो उससे ये होगा कि आप बीच में ऐड कर लें और उन्हें सेलेक्ट करके जो कोई एक कलर आप चाह रहे हैं वही हो वो आप कर सकते हैं। जो जो चार कलर हैं सब मैंने उसमें कुछ स्पेसिफिक कलर्स फिक्स रखे हुए हैं, और फिर उसी को डुप्लीकेट करके उसके उनके डार्क वर्जन चूज कर लें, तो वो तो आपकी अपनी मर्जी है, और आप यहाँ पे इस कलर रैम की जगह ये प्लग इन कर सकते हैं, लेकिन मुझे अब इसके लिए यही ज़्यादा बेहतर लगा। तो अब फिर हम लोग कैमरे की रोटेशन का काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग को वर्ल्ड सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, तो वर्ल्ड में अभी देखा था कुछ नहीं था, तो इसलिए हम लोग अभी वर्ल्ड पर जाते हैं, और हम लोग एक इमेज लगाएंगे एस जी आर आई नहीं, क्योंकि मुझे ये फोटोरिस्टिक नहीं था तो उसके लिए बैकग्राउंड बनाना मुश्किल हो जाता होता है, तो हम लोग इसलिए इसे गुजार चलाना पड़ा है। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट टेक्सचर्स लिया, ओपन किया, और ये मेरा आपको लिंक दिया हुआ है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और इसके लिए हम लोग अभी करेंगे मैपिंग, मुझे अभी सेटिंग्स याद है उसकी, तो सेटिंग्स में इशू आता था,
और टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स, और ये भी आपको जेनरेटेड ही यूज़ करने पड़ेंगे। और जितना मुझे याद है ये जेड पे 0.4 ऊपर कर लें, 0.4 मीटर ऊपर कर लें, क्योंकि अभी बाकी सारी चीज़ें गायब कर देते हैं। और रेंडर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये इस तरह का होगा। अब हम लोग एक तो इस चांद को अवॉइड कर रहे हैं, जैसे हमने 0.4 से ऊपर किया, और दूसरी चीज इस डिच को मैं अवॉइड करना आपको कहूंगा, क्योंकि एच डी आर आई नहीं था, और लेकिन ये एन पी आर है, तो एन पी आर तो एच डी आर आई मिलते नहीं है, ये बहुत एक प्रॉब्लम है लैंड कम्युनिटी के लिए। तो अब हम लोग वापस सॉलिड मोड में जाते हैं, और एक हम लोग करेंगे ऐड करेंगे शिफ्ट ए एम्प्टी प्लेन एक्सिस, और जो टेक्स्ट है उसे भी वापस ले आते हैं, क्योंकि उसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब हम लोग क्लिक करते हैं कैमरा को, और फिर क्लिक करें एम्प्टी को, ठीक, और फिर कंट्रोल पी दबाएं, और इसे हम लोग पेरेंट करते हैं। तो उसका फ़ायदा हमें क्या होगा कि हम लोग दूसरा भी कैमरे को एम्प्टी को रिलीज रोटेट करेंगे, उसका कैमरा रोटेट रहेगा, और फिक्र ना करें एम्प्टी रेंडर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रेंडर में शो नहीं होता होता, तो आपको ये मसला नहीं होगा। तो अब हम लोग सिर्फ जो हैप्पी न्यू ईयर वाला टेक्स्ट है इसे एक मटेरियल दे देते हैं ऑब्जेक्ट, और इसे एक सिंपल इमेज सेट से स्टार्ट करते हैं, सिर्फ मिक्स मिक्स शेडर एक ऐड करें, और एक ट्रांसपेरेंट बीएसडीएफ ऐड करें, और क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंट बीएस किया तो ब्लेंड मोड, फिर आपको अल्फा क्लिक करना पड़ेगा, और स्ट्रेंथ 5 रख देते हैं, कलर येलोइश टाइप सा रख देते हैं, और उसी तरह से फिर एक कलर रैंप इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिट टच इफेक्ट देने के लिए, थोड़ा डिफरेंट करने के लिए इसके अंदर एक नॉइस टेक्सचर भी लगा दें कलर रैंप के अंदर। अब रेंडर भी मैं आपको दिखाता हूँ, स्ट्रक्चर होगा ये देख, आधा टेक्स्ट का आधा नजर आ रहा है। तो हम लोग कलर रैंप को रोटेट करें तो उसके पोजीशन के हिसाब से वो टेक्स्ट अपीयर और डिसअपीयर होगा। तो अभी के लिए हम लोग इसे डिसअपीयर पे ही रखते हैं, क्योंकि तो हमें अब अभी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, और एनिमेशन के लिए भी वैसे भी स्ट्रक्चर होगा स्टार्ट में। तो अभी मैं टेक्स्ट को हाइड कर रहा हूँ, और अभी हमने बस पोजीशन सेट करनी है, जो कैमरा व्यू से क्लिक करके देख लें कि हमें जो है जो वो अजीब सा डिच है हमारे बैकग्राउंड पे वो काम नजर आता है। तो हम लोग से रोटेट करते जाते हैं, और यहाँ से देखें, यहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर इसमें से ऑपोजिट कर दो, ऑपोजिट अगर करूँ तो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो मैं इसी तरफ से करता हूँ, स्टार्ट यहाँ से होगी, स्टार्ट यहाँ से करेंगे। और आइडिया ये है कि बेसिकली टेक्स्ट की जो रोटेशन है वो उस रोटेट ऐसा करना जब हम फाइनल फॉर्म में रखना चाहते हैं। तो बेसिकली मेरा फाइनल यहाँ पे रखना चाहता हूँ, एनिमेशन हमारी रोटेशन उसकी एंड एनिमेशन की रोटेशन यहाँ पे एंड होगी। तो जो टेक्स्ट है हम लोग चाहते हैं सॉलिड मोड में चले जाते हैं, जो टेक्स्ट है तो हम लोग चाहते हैं वो भी इतना ही रोटेट हुआ हुआ। तो टेक्स्ट के ऊपर रोटेट करना शुरू करते हैं, हैप्पी न्यू 2020 तकरीबन इतना सही लग रहा है, आई थिंक 110 ठीक रहेगा, आपके लिए डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये इस तरह हो गया, फाइनल मेरे टेक्स्ट की लोकेशन यहाँ पर होनी चाहिए, और अब मैं टेक्स्ट को फिर से ऐड करता हूँ। तो मेरे ख्याल से हम लोग शायद एनिमेट करने के लिए तकरीबन रेडी ही हैं। तो प्लेन सा मैं टेक्स्ट अभी ज़रा पता नज़र नहीं आएगा, और वो मेन लेजेंड तो हमने हाइड ही रखना है। तो एनिमेट करने का तरीका बेसिकली यहाँ पे ये, हम लोग की फ्रेम्स यूज़ करेंगे, और मेरे ख्याल से मैं एच डी आर आई को थोड़ा सा चेंज कर लूँ, क्योंकि मुझे याद है वो थोड़ा सा टकरा रही थी, तो 0.5 के बजाय, और 0.4 के बजाय 0.5 ही कर लेते हैं, रहेगा कोई टकरा आएगी नहीं हमारे कैमरे में, आएगी नहीं। तरीका ये है कि बेसिकली आपको जो टेक्स्ट है उसे सिलेक्टेड रखें, और हम लोग अभी फ्रेम 1 से स्टार्ट करेंगे,
और क्योंकि अभी जो कैमरे की लोकेशन है वो भी एक्यूरेट नहीं है। अब ये जो कैमरे की फाइनल लोकेशन यहाँ पे होगी, लेकिन हमें स्टार्ट सारे पता डिफरेंट जगह से लेना है ना, तो उस वजह से हम लोगों को स्टार्ट आई थिंक 60 समथिंग था। रेंडर्ड व्यू में देखना पड़ेगा और टेक्स्ट को हाइड, प्लेन को हाइड। सिक्सटी समथिंग ही था, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो इसकी एंडिंग है वो इधर से होगी। ठीक हो गया, तो प्लेन को वापस ले आते हैं, टेक्स्ट को वापस ले आते हैं और टेक्स्ट को सिलेक्टेड रखें क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब हमारी फाइनल स्टार्टिंग पोजीशन ये है। तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे, और उसकी पोजीशन के ऊपर क्लिक करें आई, और फिर जो दूसरी पोजीशन है उसके ऊपर क्लिक करें आई ताकि ये लोकेशन रिकॉर्ड हो जाए। और फिर हम लोग जो एम्प्टी है उससे क्लिक करें और उसकी जो लोकेशन है रोटेशन है उसके ऊपर आई क्लिक करें, वो सारे फ्रेम्स लॉक हो गए और कैमरा उसकी वजह से एम्प्टी के साथ ही मूव करेगा, इसलिए कैमरा को करने की जरूरत नहीं। फिर हम लोग इसे रोटेट करते हैं, इसके लिए आपको रेंडर्ड व्यू में होना ही पड़ेगा। और वो देखें जो एच के साथ रुक जाए, और टेक्स्ट को फिर से हम लोग ले आते हैं, और आई थिंक मैं टेक्स्ट चाहता हूँ 90 फ्रेम तक हो जाए सारा। तो यहाँ पे आके आप टेक्स्ट को पूरा रीअपीयर ले आए, गलती होगी, इसे फिर से रोटेट करना पड़ेगा। ये यहाँ तक ठीक लग रहा है, और टेक्स अब यहाँ पे आ चुका है। तो टेक्स की जो पोजीशन है उसके ऊपर फिर से आई क्लिक करें, और जो दूसरा है उसके ऊपर फिर से आई करें, और जो एम्प्टी है उसे क्लिक करें और उसके लोकेशन के ऊपर फिर से आई क्लिक करें। तो अब जब हम लोग वापस आएंगे तो ये देखें टेक्स गायब हो गया उस तरह से, और बाकी जो टाइम है वो उसका ऐसे चलेगा। मैं आप लिख दो, रिप्ले करता हूँ। तो अब से रेंडर करने के लिए तरीका ये है, आप रेंडर सेटिंग्स में चल जाएं, जो बाकी सेटिंग्स हैं ये तो सही रहेंगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप रेजोल्यूशन इंक्रीज करना चाहते हैं डिक्रीज करना चाहते हैं वो आप कर लें। और सबसे जरूरी चीज़ है जो वीडियो के लिए, पहली चीज़ तो यह है कि आप लोकेशन अपनी सेट कर लें, टेम्पलेट रखना चाहते हैं सो जब रख लें और उसका नाम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो है सबसे ज़रूरी चीज़ अब ये आ रही है, ये PNG है से चेंज करके FM पैक कर लें। FM पैक जब आप करेंगे तो इनकोडिंग ओपन हो जाएगी, इनकोडिंग के अंदर ये कंटेनर के अंदर आप MPEG-4 कर लें, और फिर जो ये वीडियो कोडेक है इसके अंदर भी MPEG-4 कर लें DivX, और जो आउटपुट क्वालिटी है वो कॉन्स्टेंट बाइटरेट कर लें। इनकोडिंग से आपकी अपनी मर्जी है, बाकी लोकेशन वगैरह भी अगेन आपकी अपनी मर्जी है। और फिर जब ये सब कुछ हो जाएगा और तो फिर यहाँ पे आ जाएं, और आप कहाँ से कहाँ तक रेंडर करना चाहते हैं, या तो आप तो अपनी टाइमलाइन को कम कर लें, या फिर इसकी जो यहाँ पे रेंडरिंग है फ्रेम्स हैं वो कम कर लें, लाइक ये जो एंड है ये कम कर दें। तो बाई डिफॉल्ट वरना वो सारा कुछ कर देगा, तो एनिमेशन कितनी लंबी नहीं है, तो आप 120 फ्रेम कर लें। अगर आप 2 सेकंड्स के लिए जा रहे हैं, 5 सेकंड्स के लिए जा रहे हैं उस हिसाब से इस तरह, तो उतना देर फजूल एक्स्ट्रा रेंडिंग करने की जरूरत नहीं। अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो बेशक आप ज्यादा कर लें, और फिर फाइनली आप रेंडर करके रेंडर एनिमेशन कर लें, और जहाँ पे आपकी जगह होगी वहाँ पे एनिमेशन सेव हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपको पसंद अगर वीडियो आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हेल्प भी हो जाए। मैं और भी ट्यूटोरियल्स बनाता रहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।